नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोक नगर और मैं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। यूँ तो एक बड़ा मामला आज मध्य प्रदेश के लिए ये है कि महाकाल लोक का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री करने वाले, मगर मैं जब ये अशोकनगर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो थोड़ी सी किसानों के लिए बुरी चीज़ ये है कि बारिश में हम भीग रहे हैं और ये बारिश कतई अच्छी नहीं है किसानों के लिए। कहानी ये है कि आज पीछे आप जो महादेव का मंदिर देख रहे हैं, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है अशोकनगर का, तो न केवल ये बल्कि प्रदेश भर के ऐसे हज़ारों मंदिर आज सजे हुए हैं। ये इस वजह से सजे हुए हैं कि महाकाल भगवान उज्जैन में जो विराजे हैं उनकी सुविधा और नवनिर्माण को लेकर देश प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और आज इसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो अशोकनगर क्या कहिए, पूरे प्रदेश में आज इसको लेकर बड़े उत्सव का माहौल है, मंदिरों में जो है चहल पहल है, इसी तरह की साज श्रृंगार है। इसके पहले इस पूरे माहौल को और धर्ममय और थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए नगर पालिकाओं ने और स्थानीय लोगों ने सुबह प्रभात फेरी भी निकाली है, अशोकनगर में भी निकली, जिसमें कई सारे जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और दूसरे लोग थे। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि प्रभात फेरी किस तरह से निकल रही है। सामने जो टेंट आप देख रहे हैं, तैयारी जिसकी हो रही है, ये मुख्य आयोजन के लिए है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे उस समय यहाँ लोग सुनेंगे उसको लेकर, साथ ही जो पूजन का कार्यक्रम है उस पूरे महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री को, वो भी दिखाया जाएगा। तो पूरे देश में इस समय महाकाल मंदिर के लोकार्पण को लेकर, महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है। इसी चर्चा में अशोकनगर और दूसरे शहरों में भी इसके लेकर माहौल हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय महाकाल। सभी धर्मप्रेम बंधुओं को बहुत बहुत बधाई कि जैसा कि आप सबको पता है कि आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और मुख्य कार्यक्रम शाम 5 बजे से उज्जैन में तो हो गई, उसके साथ ही प्रदेश के सारे मंदिरों में ये आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह हमारे ज़िले में भी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, गाँव के प्रत्येक मंदिर में ये आयोजन होगा। तो सभी लोगों से, आपसे धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से 5 बजे उक्त मंदिरों में पहुँच के और इस कार्यक्रम को TV के माध्यम से देखें। और अशोकनगर में मुख्य कार्यक्रम जो हजारेश्वर महादेव मंदिर में हो रहा है, तो आप सबसे शहर के लोगों से निवेदन है कि वहाँ पर निश्चित रूप से 5 बजे पहुँचें और इस कार्यक्रम को देखें। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। जय महाकाल।